Sarah's Kitchen, Pakistani cuisine and Indian cuisine recipes by Sarah Khan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए फ्राइड प्रॉन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिन व्यूज ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्रॉन्स ले लिए हैं, ये आधा किलो प्रॉन्स हैं, साफ हुए हुए हैं, टेल के साथ हैं। तो चलिए हम अब ये इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। अंडा फेंट के रख लिया मैंने। अच्छा, अब प्रॉन्स डाल दिए हैं मैंने। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस डाल दें। एक टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस डाल दें। अगर आपको तेज मसाला पसंद है, तेज मिर्चें, तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच सफेद सिरका, 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लहसुन का पाउडर। आधी चम्मच के बराबर आप काली मिर्च डाल दें। अगर आपको सुर्ख मिर्च पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दें, हसबे जायका, जो जितना आपको पसंद है कम ज़्यादा नमक डाल दें। मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है नमक इसमें ऐड किया है। आधी चम्मच के बराबर काली मिर्च पाउडर डाल दें। अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तमाम प्रॉन्स जो हैं, जो आपने मैरिनेशन तैयार करनी है। अब तकरीबन इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए आप ढक के रख दें। आधी प्याली मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा आप काली मिर्च और नमक ऐड कर दें। इस तरीके से तमाम जो है हल्का हल्का सा जो है कॉर्नफ्लोर इन सबको लगा दें और फिर इनको फ्राई करेंगे हम डीप फ्राई। इस तरह का जब इसका लाइट गोल्ड सा कलर हो जाए तो इसे फौरन आप तेल से निकाल लें। इसका कुकिंग टाइम जो फ्राइंग टाइम है वो 5 मिनट ही होता है। फ्राइड प्रॉन्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारी वीडियो को देखते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।